मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक विदुल घाटी में भरमौर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झील कैलाश शिखर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल भादों के महीने में इस झील पर एक मेला आयोजित किया जाता है जो हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। भगवान शिव इस मेले के इष्ट देव हैं और माना जाता है कि वह कैलाश में निवास करते हैं। कैलाश पर शिवलिंग के आकार की एक चट्टान है और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं। पहाड़ के आधार पर बर्फ के मैदान को स्थानीय लोगों द्वारा शिव का चौगान भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत को अजय माना गया है। माउंट एवरेस्ट सहित कई चोटियों पर कई बार विजय प्राप्त करने के बावजूद अब तक कोई भी इस चोटी पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक कहानी ये है कि एक बार एक चरवाहा अपनी भेड़ों के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। माना जाता है कि उसकी भेड़ों के साथ वह पत्थरों में तब्दील हो गया। माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटी चोटियों की श्रृंखला बीमार चरवाहे और उसके झुंड के अवशेष हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान के प्रसन्न होने पर ही भक्तों को कैलाश शिखर के दर्शन हो सकते हैं। खराब मौसम जब शिखर बादलों के पीछे छिप जाता है तो उसे भगवान की नाराजगी का संकेत माना जाता है। मणिमहेश झील के एक कोने में शिव के संगमरमर की छवि है, जिसे इस स्थान पर आने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा पूजा जाता है। पवित्र जल में स्नान करने के बाद तीर्थयात्री 3 बार झील की परिधि के चारों ओर जाते हैं। झील का शांत पानी बर्फ से ढकी चोटियों का प्रतिबिंब दिखाता है। मणिमहेश से अलग अलग रास्तों से संपर्क किया जा सकता है। लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुवतु दर्रे से होकर आते हैं। कांगड़ा और मंडी से कुछ लोग कवारसी या जलसु दर्रे के माध्यम से भी आते हैं। सबसे आसान मार्ग चंबा से है और भरमौर के माध्यम से चलता है। वर्तमान में भरमौर के रास्ते हड़सर तक बसें चलती हैं। हड़सर के आगे तीर्थयात्रियों को मणिमहेश तक 13 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। हरसर और मणिमहेश के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थान आता है, जिसे धनचो के नाम से जाना जाता है, जहाँ तीर्थयात्री आमतौर पर एक रात बिताते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झरना भी है। मणिमहेश से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड और शिवक्रोत्री नामक दो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण जल निकाय पड़ते हैं, जहाँ लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गौरी और शिव क्रमशः स्नान करते हैं। महिला यात्री गौरीकुंड में पवित्र डुबकी लगाती हैं और पुरुष यात्री मणिमहेश झील की ओर बढ़ने से पहले शिवक्रोत्री में डुबकी लगाते हैं। मणिमहेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उसके काफी समय के बाद सूर्य उदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जगे रहते हैं। जन्माष्टमी से राधा अष्टमी यानी 15 दिन की अवधि तक चलने वाले मणिमहेश यात्रा अगस्त या सितंबर महीने में की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु नंगे पैर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंचते हैं। यात्रा में एक भजन गाते हुए जुलूस भी निकाला जाता है, जिसे स्थानीय रूप से पवित्र छड़ी तीर्थयात्रियों द्वारा ली जाने वाली छड़ी के रूप में भी जाना जाता है। मणिमहेश की यात्रा की शुरुआत लक्ष्मी नारायण मंदिर और चंबा में दशनामी अखाड़े से होती है और इस यात्रा को पूरा करते हुए मणिमहेश पहुंचने के बाद तीर्थयात्री
झील में पवित्र डुबकी लगाते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए 3 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। महिला भक्त गौरीकुंड और पुरुष शिव कटोरी में डुबकी लगाते हैं। हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में 4,080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश झील सिर्फ श्रद्धालुओं में ही नहीं बल्कि ट्रैकर्स के भी दर्शन का केंद्र बनी हुई है। पर्वतीय प्रेमियों और ट्रैकर्स की माने तो राजश्री मणि महेश की ट्रैक हिमाचल की सबसे खूबसूरत ट्रैक और रोमांचक ट्रैक में से एक है। मणि महेश के लिए सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान ट्रैक एक छोटे से शहर हडसर से शुरू होती है। इस ट्रैक की शुरुआत पहले कुछ किलोमीटर की मामूली चढ़ाई से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद मार्ग पहले मणि महेश दर्रे को पार करने की दिशा में एक जिगजैग की तरह हो जाता है। एक और 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप धनचौ पहुंचेंगे। ये जगह समुद्र तल से 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धनचौ से ट्रैक फूलों और औषधियों जड़ी बूटियों की घाटी से सुंदरसी तक पहुंचता है। सुंदरसी से 2 ट्रैकिंग मार्ग उपलब्ध हैं। पहला ट्रैक सुविधाजनक ट्रैक है, जबकि दूसरा थोड़ा कठिन ट्रैक है जो भैरव घाटी के माध्यम से गौरीकुंड तक पहुंचता है। यदि आप गौरीकुंड से पहले रास्ता लेते हैं तो आप एक धतुगाड पुल के ऊपर मणि महेश नाले को पार करते हैं जो अंत में ग्रेडियंट के बाहर निकलता है, और यहाँ से आपकी मंजिल सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। वैसे तो ये ट्रैक एक दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो धनचौ में रात भर रह सकते हैं। यहाँ पर ठहरने का और आवास भोजन की सुविधा उपलब्ध है। मणि महेश झील के दर्शन के लिए जाने से पहले आप पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, पानी और भोजन ले जाएं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है और झील के पास कोई भी भोजन उपलब्ध नहीं होता है। अपने मणि महेश ट्रैक में जाने से पहले ट्रैकिंग के लिए लगने वाले आवश्यक उपकरण अवश्य ले जाएं। ट्रैक के दौरान कभी भी अकेले ना घूमें, अपने ट्रैकिंग गाइड और साथी ट्रैकर्स के साथ रहें। ट्रैकिंग करते समय तेज गति से ना चलें। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो तो मणि महेश यात्रा के बारे में बिल्कुल ना सोचें। ट्रैक बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है, इसलिए अपने कैमरे की पूरी तरह चार्जिंग कर लें। 4,080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मणि महेश में नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। मणि महेश यात्रा के दौरान धनचौ नाम का एक स्थान आता है जिसकी कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भस्मासुर ने तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया। जैसे ही उसे मनवांछित वरदान मिला तो उसने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया और भगवान शिव उस स्थान पर आ गए थे और भस्मासुर शिव को ढूंढ नहीं पाया। तब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के सर पर ही भस्मासुर का हाथ रखवा दिया, जिससे वो उसी समय भस्म हो गया। कहा जाता है कि भरमौर का नाम पहले ब्रह्मापुर होता था और मान्यताओं के अनुसार भरमानी का मंदिर भी 84 परिसर में ही था। 84 में माता का वास हुआ करता था और यहाँ पर रात के समय पुरुषों का आना मना था। उसी स्थान पर एक दिन कुछ 84 सिद्धों का एक ग्रुप मणि महेश यात्रा के लिए जा रहा था, लेकिन चलते चलते रात होने लगी और वह उसी स्थान पर रुक गए, ताकि तभी माता प्रकट हुई और उन सभी को श्राप देने लगी। तभी 84 सिद्धों के प्रमुख माता के सामने आए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं भगवान शिव थे। तब माता ने उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने माता को वरदान दिया कि कोई भी व्यक्ति दर्शन के लिए आएगा उसको सबसे पहले आपके दरबार में जाना होगा, और माता भरमानी वहाँ से विपुल होकर वह 3 किलोमीटर दूर साहर नामक स्थान पर प्रकट हुई।
श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब वो माता के दरबार में दर्शन करते हैं। जब भी आप मणिमहेश पर्वत की यात्रा करते हैं तो आपको धनचो और गौरीकुंड के बीच में एक ऐसा स्थान मिलता है जहां पर आपको एक दिव्य आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कि कोई घराट घूम रहा है। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने मणिमहेश की यात्रा पहले की है या आप प्लान कर रहे हैं अगले साल जाने के लिए। और जो हमने